सो क्या हाल दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त लेकर आ गया GT5 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो। भाई पिछले वीडियो में तुमने देखा होगा भाई, हमें जग्गा को बाइक देनी थी जो हम बाइक चुरा कर लाए थे, ठीक है। लेकिन भाई बता दूं कि आगे की स्टोरी भाई थोड़ी सी स्किप कर दिया है, मैं बता देता हूँ क्या हुआ। हमने जग्गा को ये बाइक दी, लेकिन वो वाली बाइक नहीं जो हम लेकर आए थे, हमें वो बाइक पसंद आ गई तो हमने वो वाली बाइक उसे नहीं दी, हमने उसके सिवा दूसरी बाइक दे दी उसे। हमने एक इंडियन बुलेट मॉडल उसे को दे दिया और उसको ठस्सा देकर भाई यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब बाइक हमारे फिलहाल हमारे पास है, देखो भाई ये फिलहाल। तो आज हम जाने वाले हैं भाई इस बाइक की टेस्टिंग करने के लिए, सो बाइक की स्पीड कैसी है भाई, बाइक किस तरह से चलती है, उसमें क्या क्या कमियां और क्या क्या इसे थोड़ा सा मैनेज करके इसे डेवलप करना मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा हम करेंगे इसे, ठीक है। सो फिलहाल आज हम जाने वाले हैं इसकी राइडिंग पर। सो दोस्तों पूरी तरह से तैयार है बाइक पर, अच्छी तरह से कपड़ा वपड़ा मार लिया है, लेकिन भाई ये बिगड़ी औलाद जो है ना, यानी सुधरेगी नहीं। साइकिल अपनी कहीं भी खड़ी कर देते सो ये तो कभी सुधरेगा नहीं, बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद है, सॉरी बाप बिगड़ा हुआ तो बिगड़ी तो औलाद रहेगी। सो बाइसिकल इसकी यहाँ खड़ी कर देते हैं तो सुधरेगा नहीं, इतनी महंगी सी साइकिल ला कर दिया लेकिन ये इसकी कदर नहीं करता। चलो तो एक बार फिर से रेडी हो गए अपनी बाइक को लेकर, सब चीज़ ओके है भाई, सब चीज़ चेक कर लिया, हेलमेट पहन लिया, ऐसा ही सेफ्टी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स पास में रख लिए हैं। फिलहाल चलते हैं इसे हवा हवाई बनाने के लिए, अपनी बाइक को उतारते हैं रोड पर, देखते हैं कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। सो दोस्तों यार बाइक को भगाने में और भी ज़्यादा मजा आने वाला है, पूरा रोड अभी तक तो हमारे आसपास जो है खाली है भाई, आगे चलने के बाद हाईवे पर अगर आ जाते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं तो स्पीड थोड़ी कम कर लेंगे अपन लोग। फिलहाल भगाने के लिए भाई रेडी, काफी अच्छी स्पीड पकड़ी है, 100 क्रॉस कर गया स्टार्टिंग में, भाई साहब बड़ी तेज भाग रही है बाइक। बस हमें किसी तरह इस बाइक को लेकर जाना है हाईवे पर, हाईवे पर इसकी स्पीड पता लगेगी। देखो भाई गाड़ियां आना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। सो इसकी टेस्टिंग के लिए भाई सबसे मेन चीज है भाई फ्यूल की, ठीक है। फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है इस बाइक का। सो इसका जो एवरेज है वो 15 किलोमीटर प्रति लीटर का है, ठीक है इसका एवरेज जो है। सो फिलहाल हमें इसमें फ्यूल और भरवाना पड़ेगा, फुल करवानी पड़ेगी इसकी फ्यूल टंकी, जब इसका कुछ हो पाएगा, जब हम इसकी स्पीड अच्छी से टेस्ट कर पाएंगे। सो फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर भरवा लिया है इसमें फ्यूल और अब हम इसको लेकर जाने वाले हैं लॉन्ग ड्राइव पर। बस हमें करना क्या है, हाईवे पकड़ना और इसकी स्पीड जितनी खुल सकती है उतनी हम खोलेंगे और देखेंगे लास्ट इसकी स्पीड कितनी है। वैसे इसका एवरेज जो माना जाता है इस बाइक का, वैसे देखा जाए तो सिटी में लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो है। इसका वजन बता दो, इसका 350 किलो ग्राम इसका वेट है बाइक का, ठीक है। फिलहाल हमें स्पीड टेस्ट करनी है, हम तो स्पीड टेस्ट करने के लिए निकले हैं। सो फिलहाल पकड़ते हैं एक हाईवे को, ये फिलहाल छोटा है, ठीक है। हमें पकड़ना है बड़ा वाला हाईवे जिसमें हम खुलकर स्पीड इसकी जो है नाप सकते हैं। उसके बाद भाई जाने वाले हैं हम लेस्टर के पास, लेकिन पहले स्पीड तो टेस्ट कर लो भाई, बाल बाल बचे यहाँ से, बहुत पीटता है अगर वो ठोक देता तो बाइक में। सो फाइनली जिसका इंतजार था हम उसी रोड पर आ चुके हैं, एक बड़ा वाला हाईवे। सो फिलहाल हम इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे, उसके बाद जाने वाले लेस्टर खालू के पास। सो फिलहाल देखते हैं यार लास्ट इसकी स्पीड कितने तक जा सकती है, फिर इसे कितनी मॉडिफाई करनी पड़ेगी उतना हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी स्पीड देख लेते हैं। सो फिलहाल देखते हैं हाईएस्ट कितनी जा रही है। दोस्तों यार इसकी लास्ट स्पीड जो जा रही है मैं चेक कर रहा हूं, यहां पर 215 किलोमीटर के लगभग आसपास जा रही है, उससे ऊपर जा नहीं रही है, यानी कि इसे मॉडिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें 300 तक इसे लेकर जाना है। सो फिलहाल हम इसे मॉडिफाई करेंगे, लेकिन फिलहाल भाई हम जा रहे हैं फिलहाल खालू अब लेस्टर के पास, ठीक है। लेस्टर खालू के पास जाएंगे, उसने हमें फोन किया था, पता नहीं किसी इंपॉर्टेंट काम से वहाँ पर बुलाया। सो फिलहाल इसी के स्पीड के साथ हम जाने वाले हैं 200 पर किलोमीटर की स्पीड से लेस्टर खालू के पास। सो फिलहाल चलते हैं लेस्टर खालू से जाकर मिलते हैं। सो भाई रास्ते में मिलने वाली है भाई एक अंडरग्राउंड रोड, ठीक है, हम उसके अंडर टनल जाने वाले हैं, उसके थ्रू जाने वाले हैं भाई, देखते हैं अंदर का नजारा कैसा होता है। फिलहाल बाइक के साथ तेजी में निकलेंगे भाई, वहां पर कुछ दिखेगा नहीं, नहीं बहुत कम दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन भाई फिलहाल काफी ज्यादा मजा आ रहा है, स्पीड के साथ यहाँ से निकल गए। लगभग हमने यार 3 सेकंड के अंदर पूरी टनल जो है क्रॉस कर दी लगभग, इसमें भाई नॉर्मल बाइक होती तो ले लेती लगभग 10 से 20 सेकंड के अंदर लेती, लेकिन अपनी हाईवे GSX 1300 आज जो है भाई सबसे बेस्ट है भाई, एक ऐसी बाइक है जो किसी के पास नहीं है अभी तक पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में। सो फिलहाल अभी तो माइकल के पास ही है, ठीक है, और बच गया भाई, ठीक है भाई हमें कुछ नहीं हुआ, बस हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना था, हम बच गए हैं, ठीक है। फिलहाल लेस्टर के पास हमें पहुंचना है जल्दी से जल्दी भाई, लेस्टर का एक बार फोन आ चुका है पहले ही, ठीक है, और उसने एक बार और फिर से कर दिया है, वो जल्दी बुला रहा, पता नहीं ऐसा क्या काम है जो हमें लेस्टर इतने बेसब्री से बुलाने के लिए लगा हुआ है, वो कुछ दिखाना चाहता है, पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है वो हमें दिखाना चाहता है। तो यार यहाँ पर रेड लाइट हो चुकी है, रेड लाइट ट्रैफिक रूल्स का थोड़ा बहुत तो पालन करना चाहिए, हमारे पास हाईवे तेज स्पीड वाली बाइक है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक रूल्स को जो है तोड़ दे भाई। तो दोस्तों यार काफी देर से देख रहा हूँ जो कार वाला है बगल वाला है, काफी देर से हमारी बाइक को देख रहा है, लगता है इसे अपनी बाइक पसंद आ चुकी है, लेकिन भाई ये क्या रखे हैं, गरीबों के पास बाइक ऐसी थोड़ी होती है, बड़ी मेहनत से बड़ी जान पे खेल के बाइक लाए हैं, ठीक है, अपने पास ही होगी और किसी के पास क्यों होगी। सो फिलहाल यार रेड लाइट देखो, ग्रीन लाइट बन चुकी है, ठीक है। सो फिलहाल हम चलते हैं, इधर से भी रेड लाइट फिलहाल आई है, अपना पाथ नहीं था।
सो चलते हैं लेस्टर के पास। देखो भाई आगे आगे चल रहा है, कितना स्लो में चला रहा है भाई, देखता हुआ चल रहा है बाइक पीछे से। सो फिलहाल दोस्तों यार इसमें फ्यूल जो है फिर से बहुत कम हो चुका है, हम फिर से फ्यूल इसमें भरवाने वाले हैं। देखा मैंने कहा था ना 15 किलोमीटर प्रति लीटर का इसका एवरेज है। सो फिलहाल हमें थोड़ा सा और पेट्रोल की जरूरत पड़ सकती है। फ्यूल टैंक एक बार हमने फिर से रिफिल करवा लिया है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखो गैराज है, फिलहाल इसे छोड़ते हैं, फिलहाल बाद में देखेंगे अपनी बाइक के बारे में पूछते हैं, लेकिन भाई इसके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी जो हायबुसा के बारे में बता सके। सो भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर से यार, काफ़ी देर हो चुकी है भाई, फ्यूल फिर से खत्म हो सकता है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब तो शायद आते समय ही हम फ्यूल डलवाएंगे इसमें, अब ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें फ्यूल, वैसे तो आसपास वहाँ पर होगा, वहाँ से जाते आते समय वहाँ से कहीं ना कहीं से फ्यूल भरवा लेंगे, फिर डायरेक्ट घर की तरफ या फिर जहाँ भी लेस्टर बताएगा वहाँ हमें जाना पड़ सकता है तो जाएंगे, लेकिन फ्यूल का सारा पैसा लेंगे भाई लेस्टर से। भाई साहब पीछे एक्सीडेंट हुआ अभी, देखा कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, मतलब वो उधर से आ रहा है, इसने रॉन्ग पाथ पे मतलब गाड़ी चलाई और ठोक दी। सो फिलहाल यार उधर की साइड जाकर देखते हैं यार कैसे लड़ाई वड़ाई होगी, तो लड़ाई वड़ाई भी देखेंगे, मजा आएगा। अरे यार लड़ाई सुलझ गई, चले गए अपने अपने घर। अबे यार थोड़ा लड़ते तो सही यार, कहाँ चले गए। चलो यार दोस्तों हम भी निकल, ओ भाई बाल बाल बचे यार, अब इनके चक्कर में देने के देने पड़ जाते। ठीक है सो फिलहाल निकलते हैं। सो फाइनली लेस्टर के नए वाले वेयर हाउस के पास हम पहुंच चुके हैं। लेस्टर ने हमें यहीं की लोकेशन दी थी और यहीं पर उसका आसपास कहीं पर उसका जो नया वाला वेयर हाउस है वहीं यहीं कहीं होना चाहिए, जहां पर वो भाई नई नई टेक्निक्स पर भाई काम कर रहा है। बाकी हैकिंग वैकिंग का भी उसका सामान नहीं आया, बाकी यहां से फिर से स्टार्ट करेगा वो अपनी हैकिंग का सफर। पिछले वाले में क्या हुआ था भाई, पुलिस ने छापा मारा उस पर, अच्छी तरह सील लगा रखे तो उसे भाई चाह कर भी नहीं खोल सकते। सो फिलहाल बस यहीं कहीं होना चाहिए, शायद वो सामने वाला है, ये सामने वाले लग रहा है मुझे यहीं, हाँ यही है, इसने यहीं की लोकेशन दी थी लेस्टर ने। सो फिलहाल दोस्तों अंदर चलते हैं यार, देखते हैं यही है नहीं है, हाँ यही है। तो फिलहाल इसके अंदर करते हैं अपनी बाइक को पार्क, ठीक है, बाहर खड़ी करना सेफ नहीं होगा, ठीक है। सो अंदर ही पार्क करेंगे, ठीक है। हाँ भाई देखो भाई लेस्टर का ये यहाँ के भाई सामानों से पता लग गया, यहाँ पे जो मटेरियल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, टायर्स हैं और बाकी जो मैकेनिक का सामान है उससे हम समझ गए कि लेस्टर का, क्योंकि सारा का सारा सामान ही भाई लेस्टर ने ऑर्डर करवाया था, ठीक है। सो फिलहाल भाई लेस्टर के यहाँ पर आ चुके हैं, बाइक बिल्कुल सेफ है भाई, बाइक पर थोड़े से धब्बे पड़ चुके हैं, ठीक है। आगे इसके देखो काला काला हो चुका है, लेकिन हम इसे साफ करेंगे। देखो भाई काला काला दिखाई दे रहा है ना, जो काला काला है ना ये थोड़ा सा तेज स्पीड में चलाने की वजह से हो गया है। सो दोस्तों यहाँ पर जो भी डार्क स्पॉट थे, यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे, वो हमने पूरी तरह से यहाँ पर बाइक पे से साफ कर दिया। बाइक बिल्कुल पहले जैसी नहीं लग रही है, बिल्कुल झक्का शाइनिंग मार रही है, ठीक है। सो फिलहाल लेस्टर यहाँ पर नहीं है, शायद वो अंदर होगा, ठीक है। सो फिलहाल अंदर जाने वाले हैं हम, लेस्टर से मिलने वाले हैं भाई, काफ़ी अच्छा इसका यहाँ से बाहर से लै, लेकिन ज़्यादा उतना भी नहीं है, थोड़ा सा गंदा है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है और वॉल पर थोड़ा सा मतलब वॉल पेपर लगवा लेता तो अच्छा होता है, प्लान करवा लेता। सो चलते हैं अंदर की तरफ। भाई यार लेस्टर तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला, मतलब बाहर से बिल्कुल गंदा कर रखा है अपना वेयर हाउस ताकि कोई आए ना, और यहाँ से अंदर से बिल्कुल चकाचक कर रखा है। देखो भाई और कितने शांति से खड़ा है, शायद ये किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। लेकिन भाई मैं पहले वेयर हाउस देख लेता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग के साथ भाई जैसा मैंने सोचा था यार, वो तो उससे भी बढ़कर निकला। सो फिलहाल लेकिन इसने क्या कर रखा है, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है शायद, ये क्या इसने मतलब एक पुतले से कोई क्या मतलब टीन के डब्बा सा पिना रखा है, पता नहीं क्या है यार ये। आगे पीछे थोड़ा देखे नज़ारा मारे, तशरीफ है, पैर है, ये हेलमेट सा है, मतलब कोई बाइक राइडिंग का सूट बना रहा है लेस्टर ये कोई। सो पता नहीं फिलहाल क्या है, लेकिन भाई बहुत अजीब और गरीब सा लग रहा है यार, रेड रेड कलर का भाई, इस पे बिजली का सा निशान लग रहा है आगे, पता नहीं यार क्या है। लेस्टर भी अजीब और गरीब वो चीज के मतलब बनाते रहता है कुछ भी, मतलब इसके बारे में तो भाई हमें पता नहीं, लेकिन सारी की सारी बातें तो भाई लेस्टर से पता करनी पड़ेगी, भाई लेस्टर ही बताया क्या। चलो पूछते हैं इससे क्या कहना चाह रहा है। सो लेस्टर हमने क्या कहा था, और मतलब लेस्टर हमसे कह रहा है कि जो सूट बनाया ना इसने, ये गवर्नमेंट के मतलब पिछले महीने हमने क्या करा था, गवर्नमेंट के एक वेयर हाउस पर हमने मतलब चोरी करी थी, वहाँ से भाई एक साइंटिस्ट जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन वो जो है उसके दौरान वो मर गया साइंटिस्ट। सो इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल थी वो उसी ट्रक के साथ आ गई थी, तो उसे भाई किसी तरह लेस्टर ने समझ लिया और फाइनली ये जाकर सूट बना दिया, और इसका नाम दिया है भाई लेस्टर ने द फ्लैश, ठीक है भाई फ्लैश। वो बता रहा है कि सूट जो है सबसे तेज भागने वाला सूट है, इसे पहनकर कोई भी व्यक्ति सबसे तेज भाग सकता है। सो भाई शायद इसी के लिए बुलाया था, और लेस्टर बता रहा है कि इसमें थोड़े से भी काम बाकी है, इसके लिए तुम्हें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन भाई लेस्टर कह रहा है कि वो मुझे कॉल कर देगा जब भी ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और तुम्हें तैयार होकर आना है बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल खाना पीना खा के आना है, क्योंकि भाई तुम्हारे जो कैलोरीज है वो बहुत ज़्यादा घटने वाली है, क्योंकि इंसान जितनी तेज दौड़ेगा उतने उसकी कैलोरीज जो है बर्न होती हैं, ठीक है। अब फिलहाल चलते हैं यार यहाँ से निकलते हैं, लेस्टर ने कह दिया फ़ोन करेगा, ठीक है, अपनी बाइक को लेकर तेजी में यहाँ से निकलते हैं, अपने को इतना ज़्यादा काम नहीं था, ठीक है। लेस्टर ने समझा दिया सारे के सारे मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा दिए यहाँ पर जितने भी थे, और किस तरह से भाई तैयारी करनी है सब बता दिए। सो घर पे जाकर भाई तैयारी करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई बाइक के थोड़े मजे तो उड़ा ले, थोड़े इसे हवा में तो उड़ा ले, थोड़ी देर चलेंगे भाई यार, थोड़ा सा रोड पे भगाने के बाद चलते हैं यार घर की तरफ, ठीक।
सो दोस्तों यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, ये लेस्टर ने सूट बनाया है, ये असल में इस बाइक से तेज दौड़ सकता है, मतलब ये इससे इसकी स्पीड जो होगी वो तेज होगी इस बाइक से, क्योंकि भाई इस बाइक का अगर मैं इसका थोड़ा सा इन्वेंट मतलब इसे मॉडिफाई करने वाला हूँ तो इसकी पूरी की पूरी स्पीड खुलने वाली है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है बाइक। और मैं सोच रहा हूँ कि जो लेस्टर ने सूट बनाया था फ्लैश का, ये कहा क्या 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उससे भी तेज दौड़ सकता है क्या? सो भाई मैं इससे जानने के लिए भाई बेसब्री से इंतजार करूंगा, भाई लेस्टर जल्दी से मेरे पास फोन करो, बिल्कुल तैयार हो जाए उस सूट के लिए जो लेस्टर ने बनाया। भाई मैं देखना चाहता हूँ कि इससे भी तेज की स्पीड के मतलब कुछ चीज़ हो सकती है, वो भी भाई एक सूट, बाइक और गाड़ी के तो चलो देखा जाता, लेकिन भाई सूट है वो, देखो भाई पुलिस सामने से पता नहीं किसका पीछा कर रही है। सो फिलहाल अपनी बाइक तेज है फिलहाल, देखते हैं पुलिस वालों से भी तेजी में आगे निकलेंगे, देखेंगे आखिर किसका पुलिस वाले जो है पीछा कर रहे हैं, शायद कोई क्रिमिनल भाग रहा है। देखो भाई वो गाड़ी ग्रीन कलर की जो है उसमें भाई जा रहा है कोई क्रिमिनल, ठीक है फिलहाल हमें उसे जाकर रोकना है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि बाइक उसके आगे अड़ा दूँ, ठीक है, लेकिन भाई देखो पुलिस वाले भाई सही से नहीं चला पा रहे, एक ने लेफ्ट तरफ ठोक दी एक ने राइट तरफ, तो भाई कहाँ से पकड़ेंगे क्रिमिनल्स को, ठीक है। सो हमें कुछ करना पड़ेगा भाई, फिलहाल देखते हैं कहाँ है वो, हम उसके आगे बाइक लगा देंगे, वो अपनी अपनी कार किसी तरह रोक देगा, नहीं रोकेगा तो भाई क्या होगा ज़्यादा ठोक देगा। सो फिलहाल चलो पुलिस वालों की कर देते हैं थोड़ी सी मदद यहाँ पर। ओ भाई वो तो जो आगे जो है ग्रीन कलर वो जो ट्रक के आगे है, वो देखो ट्रक की वजह से रुक गई, लेकिन मैं इसके आगे बाइक लगा देता हूँ ताकि भाई पुलिस वाले इसे रोक दे, ठीक है। हाँ भाई देखो भाई रुक जा, दौड़ रुक गया भाई वो, लेकिन भाई फायर करने लगा भाई, अपने में गोली ना लग जाए, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन भाई ये आगे ना जा पाए। सो भाई देखते हैं यार पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करते, लो भाई साहब डायरेक्ट गोली मार दी पुलिस वालों ने, लेकिन भाई अभी जिंदा ही है, शायद इसे नॉक करके ले जाने वाले हैं इसे अपने साथ, लेकिन भाई ये तो फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा। ओ भाई साहब एनकाउंटर कर दिया पुलिस वालों ने डायरेक्ट, भाई साहब बड़े बेरहम पुलिस वाले, यानी कि यार बड़ा क्रिमिनल था यार, गलती से मैंने कार आगे लगा दी, अगर मुझ में गोली मार देता तो क्या होता, मैं अपनी गन भी नहीं लेके आया था, ठीक है। और भाई माइकल मर जाता तो भाई क्या होता, वाकई भाई लेस्टर ने कहा है कि सेफ रहना है ताकि सूट की टेस्टिंग अच्छी तरह से कर सके। सो फिलहाल भाई पुलिस तो बेरहम है भाई, चलो भाई किसी तरह भाई निकलते हैं यार से, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी बाइक को लेकर चलते, इसे मॉडिफाई भी करना है फिर इसकी टेस्टिंग करनी है। दोस्तों यार इसकी जो टेस्टिंग है वो करने वाले हम अगली वीडियो में। सो फिलहाल दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बने रहिए, सो क्योंकि भाई अगले वीडियो में हम करने वाले हैं भाई द फ्लैश का जो लेस्टर ने सूट बनाया उसको टेस्ट, और देखने वाले हैं वो क्या इस हायाबुसा 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाली बाइक से भी तेज भाग सकता है वो सूट माइकल पहन के, उसे देखते हैं कितनी दूर तक कितनी जल्दी पहुंच सकता है, ठीक है। हम एक बार अगर इससे तेज स्पीड हुई तो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का चक्कर मारने वाले हैं भाई, मन में तो यही है फिलहाल, यही करने वाले हैं फिलहाल। बाय बाय चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तैयार रहना, ठीक है। द फ्लैश का सूट करने वाले हैं टेस्ट, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। सो बाय बाय।